ये तो इसी पे शुक्र लेते बड़ी खबर का। छिंदवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। तो छिंदवाड़ा का ये पूरा मामला, जहां पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, तो कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। नगर निगम में घोटाले के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। तो नगर निगम अधिकारियों समेत ठेकेदार पर घोटाले का आरोप लगाया है, जिसमें कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कांग्रेसियों ने लगाया करोड़ों के घोटाले का आरोप। तो नगर निगम अध्यक्ष समेत कांग्रेसी पार्षदों ने चक्का जाम किया है, जिसकी वजह से यातायात बाधित हुई है, आने जाने में लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। तो कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखा गया। आपको बता दें, छिंदवाड़ा का ये पूरा मामला है। कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और जांच की मांग लगातार उठाई जा रही है। तो नगर निगम में घोटाले के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा का ये पूरा मामला, जहां नगर निगम अधिकारियों समेत ठेकेदार पर घोटाले का आरोप लगाया गया है। तो कांग्रेसियों ने करोड़ों के घोटाले का सहयोगी अफाक हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अफाक, जिस तरीके से कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन जारी है, आखिर क्या कुछ मांगे हैं? बिल्कुल तरन्नुम, देखिए मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा में आज बड़ा विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी जो है वो करती हुई नजर आ रही है। छिंदवाड़ा में नगर निगम में चुनाव के बाद जो है कांग्रेस की शहर सरकार स्थापित हुई थी, उसके बाद से जो पुरानी 18 साल की नगर निगम की कार्यप्रणाली थी उसको लेकर लगातार जो है कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। कांग्रेस के नगर निगम अध्यक्ष जो है सोनू मागो, तमाम सभापति और जो पार्षद हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा जो है वहां पर मामला जो है चल रहा है नगर निगम के अंदर। और इसी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना जो बनाई गई थी, 70 लाभार्थियों को इसमें मकान दिए गए थे, वो टाउनशिप अभी तक जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। इनका ये कहना है कि ठेकेदारों को पूरा पेमेंट कर दिया गया लेकिन अभी तक मकान नहीं बनाए गए हैं। और उसके बाद जो है 2 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर आज नगर निगम अध्यक्ष, तमाम सभापति, पार्षद और जो छिंदवाड़ा में कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी हैं और नगर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, तमाम अनुसांगिक संगठन के अध्यक्ष, ये तमाम मिलकर जो है आज बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा के कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां इन्होंने घेराव किया, कलेक्टर से मांग की है कि उच्च स्तरीय इसकी जांच हो और जो भी इसमें लिप्त पाए जाते हैं, संलिप्त पाए जाते हैं, उनके ऊपर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन तो लगातार जारी है। लेकिन क्या आपने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की है? क्या कुछ कहना रहा है अधिकारियों का इस पूरे मामले को लेकर? देखिए बिल्कुल, अभी जिस तरह से जो है एसडीएम पहुंचे हैं, एसडीएम ने तालमेल बनाने की बात, उसके बाद भी एक पूरा जो इनका मतलब इनका एक कह लीजिए एक दल है जो कि गया है, कलेक्टर से बातचीत इनकी चल रही है। कलेक्टर मैडम ने इनसे अंदर की जो हमें खबर है, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कलेक्टर ने इनको जो है उच्च स्तरीय जो जांच करने का आश्वासन जो है कांग्रेसियों को दिया है। जी तरुण, ठीक अफाक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। नगर निगम अधिकारियों समेत ठेकेदार पर घोटाले का आरोप लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से और हाथों में तख्तियां लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन जारी है और साफ तौर पर कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है इस पूरे मामले पर, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और हाथों में तख्तियां लेकर ये विरोध प्रदर्शन जाहिर किया जा रहा है।